बोनो की मदद से स्नो व्हाइट रिचर्ड का खत पाने की कोशिश करती है। जंगल के रास्ते दूध पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। दुर्भाग्य से रानी के सैनिक वहां आ जाने से सब बर्बाद हो जाता है और स्नो व्हाइट खाली हाथ रह जाती है। उसके हाथ आता है तो सिर्फ उस खत पर लिपटा हुआ हरा रिबन। अब उस खत को कौन लाएगा? हमारे पास गोल्डी है जो ताकतवर और बुद्धिमान है, कैमोमियो जो इंसान को जानता है, पर मुझे तुम्हें सच बताना होगा। इस काम को पूरा करने के लिए हमें एक आदमी की जरूरत और पड़ेगी। तुम पहले ही जानवरों के साथ खाना बनाने में व्यस्त हो, इसीलिए अब इस मिशन के लिए हमारे पास केवल दो लोग बचे हैं। मैं जानता हूँ, इन कार्ड्स की मदद से तय करते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, एक लाल है और दूसरा सफेद। जो लाल वाला उठाएगा वो महल जाएगा। ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ठीक है, गोल्डी, कैमोमील और मैं महल जाएंगे, समझे? कैमोमील, तुम्हें इस पाउच की जरूरत क्यों है? सबका अपना अपना राज होता है मेरे भाई। देखो, सावधान रहना और सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। हमें सिर्फ वो खत चाहिए, तो कोई बेकार का खतरा मत मोल लेना। मेरी चिंता मत करो, लेकिन मैं ये चीज मेरे दो साथियों के बारे में नहीं बोल सकता। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, बात करना अच्छा है, पर अब हम चलते हैं। अलविदा। ओ नहीं, जोली ने हमें फंसाया। ये तो बहुत अजीब है, ये खत किसके लिए है? मुझे उम्मीद है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें काम दे रही हूँ। से जाएगी? जब भी मैं कुछ कहता हूँ मतलब कि वो सच होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? बताओ मुझे, आज सुबह तुमने हमें बेवकूफ बनाया था, सही कहा ना? क्या तुमने मुझे देखा? तुम बहुत बड़े चीटर हो जॉली। मुझे पता है, पर ये जरूरी था। शांत हो जाओ, गाड़ी इधर ही आ रही है, अपने आप को तैयार रखो। मुझे उम्मीद है ये काम करे। ठीक है, दबोच लो। ये बकवास के तरीके कौन अपना रहा है? ठीक है, फिर इन्हें मैं ही ले लेता हूँ। उसने सब नहीं खाए हैं। बहुत अच्छे, तुम समझदार हो। सुप्रभात दोस्तों। परेशान मत हो, वैसे भी वो सिर्फ एक सादा सा खत ही तो था। आसमान को देखो, इतना खूबसूरत है। खाना मैं बनाऊं बहुत स्वादिष्ट है। कैसे हो गुरमे? गुड मॉर्निंग स्नो व्हाइट। क्या कर रहे हो? नाश्ता बना रहा हूँ। मैंने भी देखा,
पर अजीब है, मुझे जॉली, गोल्डी और कैमोमिल नजर नहीं आ रहे। मैं जब उठती हूँ तो वो यही होते हैं। हाँ ये बहुत अजीब है, यही कहीं बाहर होंगे। वैसे बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बॉस? शायद वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, जरूरी। उन्हें आखिर क्या बताना होगा? उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पहले मैं उसे अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलूंगा। कैसे हो वेट? हो क्या रहा है तुम सबके साथ? अजीब बर्ताव कर रहे हो। सुप्रभात वुडी। गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। हाँ, आश्चर्यजनक। सुनो स्नो वाइट, बॉस तुम्हें। बॉस मुझे ढूंढ रहे हैं, है ना? सब अजीब बर्ताव कर रहे हो। गुड मॉर्निंग राजकुमारी। सुप्रभात बॉस, सब कह रहे हैं कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए किताब पढ़ोगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे यकीन है बाकी सबको भी तुमसे कुछ काम होगा। मैं तुम्हारी मदद की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं कुछ कुकीज बनाना पसंद करूँगा। क्या तुम चख कर बताओगी कि वो कैसी है? मुझे भेड़ को साफ करने में किसी की मदद चाहिए, वरना मैं ये एक दिन में कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी याद आया, आज मुझे थोड़ी लकड़ी लानी है। मदद करके मुझे खुशी होगी। पर बाकी सब कहाँ है? बाकी सब पहाड़ पर गए हैं। वो भेड़ों के साथ लकड़ी काटने। पर वो पहाड़ के उस तरफ, दोनों काम साथ में कैसे कर सकते हैं? वो सूरज उगने से पहले निकले और उन्हें खदान में भी पूरा दिन काम करना है। अच्छा, अब समझ आया। चलो जल्दी करो, जल्दी। तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्नो वाइट के कमरे में खत को ढूंढना चाहिए। तुम तो बहुत ही बदतमीज हो गए हो जॉली। अरे कैमोमिल, इसे कुछ सिखाओ। मुझे लगता है इस महल का कुक भी गौरमे की तरह अच्छा है। वुरे ताजे वाले। अभी तो यही रखा था मैंने। हमने पहले ही बहुत समय खो दिया है, चलो चलते हैं। रुको गोल्डी, अगर हम महल में खो गए तो क्या करेंगे? बेहतर यही होगा कि हम जहाँ से जाएं वहाँ अपने निशान छोड़ते जाएं। गोल्डी के चाकू से निशान बनाना होगा। क्या बढ़िया तरकीब है कैमोमिल। मेरे चाकू से ये आसान होगा। अरे तुम रुको तो जरा। अब तुम्हें क्या हो गया? वक्त बर्बाद नहीं कर सकते और ऊपर सीधा स्नो वाइट के कमरे से शुरुआत करते हैं। कितने समझदार हो। समझदार हो? कैमोमिल खुद को समझता क्या है, हमारा लीडर। अरे रुको मेरे दोस्तों, मेरे लिए रुको। दो अंडे और ये तैयार। स्नो वाइट, ये तुम क्या कर रही हो? जो बाहर गए हैं उनके लिए पका रही हूँ। क्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है? ऐसा मत कहिए, वो बहुत देर से मेहनत करने गए हैं, उन्हें भूख लगी होगी। राजकुमारी तुम बहुत अच्छी हो, पर उसकी चिंता मत करो, वो आज सुबह गए हैं और उनके पास खाने के लिए बहुत सारा सामान है, समझी तुम? जैसे ही तैयार होगा मैं उन्हें दे दूंगी। वेट, पेट दुखने का नाटक करो। किस लिए? स्नो वाइट को जाने से रोकने के लिए। पर तुम वो मुझे लगता है वेट का पेट दुख रहा है। क्या तुम ठीक हो प्यारे वेट? क्या हुआ बेचारा वेट? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो शायद कुछ बीमार हो गया है। और ये बीमारी की पहली निशानी है शायद। शायद उसने खराब मशरूम खाया। अब हम क्या कर सकते हैं वेट के लिए? उसके लिए कोई गर्म कपड़ा लेकर आओ। अभी लाती हूँ। शुक्र है। तुमने एक मासूम पर इल्जाम क्यों लगा दिया? माफ करना। हम स्नो वाइट को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे? हम एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, हमें बस कुछ समय चाहिए जब तक वो ना आ जाएं। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी वापस आ जाएं।
चलो इस दरवाजे के पीछे देखते हैं क्या है। एक लड़की के कमरे की तरह लगता है। लगता है स्नो व्हाइट ने इस कमरे में कई खुशी के पल बिताए हैं। गोल्डी, कैमोमियो, ये तो देखो। अगर स्नो व्हाइट यहाँ सच में खुश होती तो वो महल छोड़ के भागने की कभी कोशिश ही नहीं करती और हमारे घर भी नहीं आती। तुम सही कह रहे हो। चलो चले। बेशक। पर वो करने के लिए हमें भागना होगा। चलो अलग हो जाए। कहाँ गए वो? मुझे भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। चुप रहो। चुप रहो, हमें थोड़ा सबर करना चाहिए, वो जल्दी ही वापस आएंगे। जाली। मैंने कुछ सुना। अब किसने हिम्मत की इस कमरे में आने की? रानी अपने अलावा इस कमरे में किसी और को आने की इजाजत नहीं देती। जाकर बताता हूँ। महारानी जी। महारानी, आपकी त्वचा की सुंदरता और खूबसूरती के लिए मैं आपके लिए ये मिश्रण लाया हूँ। तुम बहुत काम के हो और मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। माफ कीजिएगा महारानी, पर एक मेहमान यहाँ आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप जल्दी से उनसे मिलने नीचे आ सकती हैं? चुप रहो। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अगर मेहमान को मुझसे मिलना है तो उसे इंतजार करने को कहो। ठीक है, माफ कीजिएगा महारानी, ये एक और खत स्नो व्हाइट के लिए है। राजकुमारी का खत। अच्छा, उसे हमेशा की तरह कोने वाले कमरे में रख दो। अच्छा, मैं ये बात गोल्डी और कैमोमिल को अभी जाकर बताता हूँ। वो खत कहाँ हो सकता है? बहुत देर हो रही है और जल्दी ही सूरज डूब जाएगा। ये तो एक बहुत जानी पहचानी खुशबू आ रही है। शहद। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए, पर इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। वो क्या है? ओ, ये तो तुम हो कैमोमील।
बेवकूफ हो तुम, तुमने मुझे डरा दिया। राजकुमार रिचर्ड का खत मिला? अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जॉली को मिला हो। आखिरकार मैं वो खत ढूंढ लूंगा। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ए, रुको। मेरा पकड़ा जाना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? रुको। क्या ममी, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। एक दिन में इतना काम करने की वजह से वो थक गई होगी। हाँ, अब इसकी वजह से हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, हमें सबर रखना होगा। वो अब तक मेरा पीछा कर रहा है, मुझे और तेज भागना होगा। तेज, अब तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ इंतजार करता हूँ। तुमने मुझे बचा लिया दोस्तों। बेहतर होगा तुम सावधान रहो जॉली। मुझे पता है खत कहाँ है, मैंने पता लगा लिया है। रानी के यहाँ रूम में है, मैंने कल सुना जब मैं हॉल में था। आखिरकार, मुझे उम्मीद है तुम रास्ता जानते हो जॉली। मैंने दीवार पर निशान छोड़े हैं, ये मुझ पर छोड़ दो। आप वाकई में दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी हैं। आपने जो हमें वक्त दिया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई। के लिए इतना काफी है, पर महारानी और भी लोग हैं। लेकिन आज फिलहाल मैं थक गई हूँ। लो, हम आ गए। गोल्डी, कैमोमील, आओ, यहाँ एक दरवाजा है। सबसे खूबसूरत रानी, शायद उन्हें पता नहीं मैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। ये लाजवाब है। जमीन पर क्यों पड़े हुए हो? स्नो व्हाइट की सौतेली माँ। वो खत। एक और खत उस शैतान के नाम। देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी वो खत जो रिचर्ड ने स्नो व्हाइट को लिखे थे आज भी शैतान रानी के हाथों में है। क्या हमारे तीनों दोस्त इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? पर ऐसा लगता है कि इसके लिए उन्हें अभी और परेशानी झेलनी होगी।